बात कोटा की, जहां पर शतक के करीब पहुंचा है पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। दो और कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही अब 99 पहुंच गया है यहां पर आंकड़ा। मेडिकल कॉलेज जारी करेगा विस्तृत आंकड़े। तो कोचिंग सिटी कोटा, जहां पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब शतक के करीब पहुंच गया है पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। लगातार कोटा में भी मामले बढ़ते हुए, शुरुआत में यहां पर मामले इस तरह से नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लगातार यहां पर मामले आ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और अब शतक के करीब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा है। लगातार कोशिश ये की जा रही है कि इन जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं उन पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। हर जगह, हर जिले में लगातार नए नए मामले सामने आ रहे हैं और अब कोटा की भी बात करें तो यहां पर भी शतक के करीब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया है। पूरे देश में भी जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते हुए मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ। तो इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि अब जब देखिए लॉकडाउन भी 3 मई तक बढ़ाया गया है और कल जब मॉडिफाइड लॉकडाउन की बात सामने आएगी उसके बाद देखा जाएगा किन क्षेत्रों में छूट दी जाती है, क्योंकि मामले जबरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कैसे और किस प्रकार से इन मामलों पर रोक लगाई जाए, लॉकडाउन में किस प्रकार से छूट दी जाए ताकि किस तरह से ये वायरस ना फैले, उस पर भी वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी होगा। कोटा की बात अगर की जाए तो यहाँ पर भी शतक के करीब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुँचने वाला है। कोटा में हालांकि हब है और यहाँ पर जो सरकारें हैं वो ये भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। भंवर एस चारण हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? शतक के करीब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुँचने वाला है, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में किस तरह के कदम उठाए जाएंगे यहाँ? देखिए, हालात अब गंभीर हो गए हैं और जब आंकड़ा जाहिर तौर पर 99 पर पहुंच गया है, शतक से केवल एक कदम दूर रह गया है, तो कहीं कहीं स्थिति खतरनाक होती जा रही है। और चिंता की बात यह है कि अभी तक पिछले करीब 5-7-10 दिन से जो भी केसेस आ रहे थे वो सारे केसेस मकबरा इलाके से सामने आ रहे थे, लेकिन जो नए केसेस आज 2 केस आए हैं और इससे पहले कल जो 5 केस आए थे, ये 7 केस एक नए इलाके बजाज खाना से आ रहे थे। हालांकि बजाज खाना मकबरा के बगल में पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं वायरस ने अपनी जो पहुंच है वो कोटा शहर में बढ़ाई है, ये आंकड़ों से तय हो गया है। फिलहाल आज जो दोनों नए संक्रमित आए हैं, एक 60 साल के पुरुष है और दूसरी 58 साल की बुजुर्ग महिला है। तो जाहिर तौर पर दोनों जो ज्यादा उम्र के जो पेशेंट हैं उन पर इस वायरस ने अटैक किया है। तो कहीं कहीं कच्चूग्रस्त इलाकों में अब लॉकडाउन की पालना और सख्ती से करानी होगी और साथ में और ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक अच्छी खबर भी दूं, कुल मिलाकर के 111 मरीज जो हैं वो फिलहाल न्यू मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन सेंटर में है और इनमें से 61 कोरोना मरीजों को डॉक्टर्स ठीक करने में कामयाब हो गए। इनमें से 40 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनकी सेकंड कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जो है वो भी नेगेटिव आई है और 21 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं बताऊं आपको कि जब सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है तो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पेशेंट को पूरा करना होता है और इसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यानी कोटा आइसोलेशन सेंटर से बहुत जल्दी कोरोना मरीज ठीक होकर के और अपने घर जा सकेंगे, ये खबर भी हम जल्दी देंगे। लेकिन फिलहाल खबर हमारे पास यह है कि कोटा में कोरोना लगातार फैलता जा रहा है और आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, चलिए लगातार नजर बनाकर के आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया।